जी, मेरा नाम ताबिंदा जबीन चौहान है और मेरा ताल्लुक वेफ हैदराबाद से है। हमारी आज की जो कॉन्फ्रेंस थी सेक्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, रेप केसेस के ऊपर, सेक्सुअल असॉल्ट, उसके ऊपर मिथ्स क्या हैं और रियलिटीज़ क्या हैं, ये बेसिकली अब एक वायरल और एक सोसाइटी जो है पूरी की पूरी एक ईविल में फंस चुकी है, जिसमें हमारे बच्चे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है इसमें विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं। और हमारी जो आज की केस स्टडीज़ और सक्सेस स्टोरीज थी, उसमें ज़्यादा हमारी ऑब्जर्वेशन यही थी कि 8 साल से लेके 12 या 13 साल तक के बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इसमें हम लोगों को हॉलिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें हमें सोशली, लीगली, हेल्थ डिपार्टमेंट्स का, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का, जुडिशरी का और ओवरऑल सोसाइटी इटसेल्फ का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल बनता है, जिसमें हमें इसकी सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करनी चाहिए। सेंसिटाइजेशन के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। हमें सेंसिटाइजेशन ना सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे फैमिली यूनिट के हद तक बच्चों और पेरेंट्स की सेंसिटाइजेशन करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों को जो हमारे इदारे हैं, जहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है होनी चाहिए, लॉयर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। हमने ये ऑब्जर्व किया कि मेडिकल लीगल का जो स्टाफ होता है वो मेल होता है और फीमेल मेडिकल लीगल ऑफिसर्स नहीं होती हैं, तो इस मैटर को रेप केसेस या गैंग रेप केसेस को एग्जामिन करने के लिए फीमेल स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि मीडिया में क्योंकि डोमिनेशन है या ज़्यादा मेजॉरिटी है मेल्स की, तो इस तरह के सेक्स केसेस में मीडिया में एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, ताकि जो सेक्स विक्टिम है वो मज़ीद वल्नरेबल ना हो अपने इंसाफ तक पहुँचते। तो उसमें हमें एक हॉलिस्टिक सपोर्ट चाहिए और हमारी रिकमेंडेशंस हैं इसमें जो हम लोगों ने NCSW को भी की हैं और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी की हैं, कि वो इन कलेबरेशन जो है एक ऐसा एफर्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करें, ताकि हमारा जो ये सोशल ईविल है हम उसको हैंडल कर सकें। शुक्रिया।